दोस्तों आप सभी का स्वागत है और आज बात करने वाला हूँ दोबारा से आप सभी के रिक्वेस्ट में इस 6 रुपए के स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो अंत तक वीडियो देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। और क्या सच में ये स्टॉक में शेयर होल्डर्स की लग सकती है लंका, क्योंकि रिटेल हमेशा उन्हीं स्टॉक को बाय करना पसंद करता है जब वो स्टॉक्स लगातार ऊपर जाते हैं। ठीक है, उनकी हिम्मत तब नहीं होती बाय करने की जब स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है। अगर आप थोड़ी हिम्मत स्टॉक को तब बाय कर लोगे जब वो रेंज में ट्रेड कर रहा है तो काफी बड़ा पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं वो हमेशा समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलती हुई गाड़ी को ही पकड़ने का प्रयास करते हैं और ऐसी वो गलती करते हैं स्टॉक मार्केट में। चलते हुए स्टॉक्स को जो अपर सर्किट में होते हैं लगातार ऊपर जा रहे होते हैं उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए ना कि बाय करना चाहिए। तो दिखाता हूँ मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, लाइक पक्का करना कि ये स्टॉक भी हमने आपको बहुत पहले सजेस्ट किया था एक जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज से और काफी अच्छा पैसा स्टॉक में मल्टीप्लाई हुआ है। और मैं ये जो लोग को डरा रहा हूँ ना, पैसे तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको बस बोल सकते हो कि संकेत दे रहा हूँ, ठीक है, अलर्ट कर रहा हूँ कि होता क्या है ना, जिन लोगों ने स्टॉक को 1 रुपये 2 रुपये के प्राइस में बाय किया है वो तो आराम से टेंशन फ्री स्टॉक को देखो बस क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो लोग अभी बाय कर रहे हैं 5-6 रुपए के प्राइस में, उनको सोचने की आवश्यकता है जो बातें कह रहा हूँ, उनके लिए बातें कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि तो फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जो स्टॉक्स अभी 1-2 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं वो आपसे मिस हो जाएगी अगर आपने अपना पैसा कई दूसरे स्टॉक में फंसा दिया। ठीक है, आपको यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, मेन फोकस रहेगा कि आपको हर स्टॉक में पैसा नहीं डालना है, आपको 1-2 स्टॉक्स में जो आपको अच्छे लग रहे हैं, बाकी 5-6 स्टॉक्स जो और अच्छे हैं उनमें भी डाल सकती हो ट्रेडिंग पर्पज से। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता कैसे चलेगा जब आप या तो हमारे वीडियोस देखो। ठीक है, मैं भी अपने स्टॉक सिलेक्शन शेयर करता रहता हूँ कि ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक बेकार लग रहा है। ठीक है, मैं भी हर स्टॉक के ऊपर बात नहीं करता हूँ, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मोस्टली उन्हीं रिपीटेशन वीडियो हमारे चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्हीं पर हमारा पैसा अच्छा बन रहा है। ठीक है, और आप लोग उसी में रिक्वेस्ट करते रहते हो और मैं अपना एकदम क्लियर विचार शेयर करता हूँ कि भाई स्टॉक में ये करना है अभी टंकी की चोट में। ठीक है, कि भैया यहाँ स्टॉक में अब पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो नहीं है भाई। ठीक है, लोगों को लगता है कि स्टॉक 2000 रुपये जाएगा, अरे उनको लगता है भाई, हमें नहीं लगता तो नहीं लगता बस। ठीक है, तो दिखाता हूँ आपको किस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, प्रकाश स्टीलेज। ठीक है, और Q3 रिजल्ट भी कंपनी के आई थिंक आउट हो चुके हैं, देख लेते हैं वो भी एक बार। 6 रुपये का शेयर बन चुका है, 16 लाख शेयर आज इंटर डे में लोग घर लेके गए हैं। शेयर की लगेगी लॉटरी, लॉटरी देखो लग चुकी है बहुत पहले, जब स्टॉक भाई 2 रुपये ट्रेड कर रहा था तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था अगर आपको याद होगा। लेकिन एक बहुत बैड खबर अब निकल के आ रही है जो आपको एक बार देखनी चाहिए, वो क्या है उसके वीडियो को अंत तक देखो। ठीक है, तो दोस्तों प्रकाश स्टीलेज मात्र 6 रुपए का ये छोटा सा स्टील का स्टॉक है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि स्टॉक ने क्या जबरदस्त रिटर्न दी है मात्र कुछ ही महीनों के अंदर, 193% की। ठीक है, लास्ट एक महीने स्टॉक लग रहा नीचे गिरता है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, अगर देखे है तो मैंने आई थिंक इसके वीडियो बनाया था, मुझे भी इतना याद नहीं है क्योंकि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो पर्सनली नहीं है। ठीक है, अगर होता तो मैं डेफिनेटली बोलता मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, क्योंकि जो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है वो तो मुझे पता है कि उसमें क्या चल रहा है, लेकिन जो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है तो मुझे इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि यार एक इंसान हूँ हम भी, है ना, कितने स्टॉक को फॉलो करूंगा। ठीक है, और ध्यान रख लेना जो भी स्टॉक आपको लग रहा है कि मैं आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं कि स्टॉक को मैं बाय करूंगा, लेकिन इतना ध्यान रख लेना सभी में एक ही रिसर्च अप्लाई करता हूँ, जो चीजें बोलता हूँ उसको अगर ढंग से फॉलो कर लोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने से बच सकता है, बस मैं ये बोलूंगा। प्रॉफिट तो देखो हो जाएगा, ठीक है, रूल फॉलो करोगे हो जाएगा, और आप ट्रेडिंग नहीं करने बैठे हो यहाँ पर। ठीक है, ट्रेडिंग में नुकसान होता है, स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में कभी नुकसान नहीं होता, नुकसान हमारी गलती की वजह से होता है बस। ठीक है, ट्रेडिंग करने थोड़ा बैठे हो आप लोग, ट्रेडिंग में नुकसान होता है, ट्रेडिंग का मतलब कि आज इंट्राडे में लॉस करता है। अगर आपने मेरे वीडियो ढंग से सुने होते ना तो मैं ट्रेडिंग को बोलता भी नहीं हूँ, ट्रेडिंग का मतलब आपने आज बाय किया आज सेल किया उसमें लॉस होता है, लेकिन यहाँ आपका लॉस एकदम जीरो है क्योंकि यहाँ मैं ट्रेडिंग की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने आपको पूरे के पूरे तरीके बता रखे कि आपको क्या करना है कैसे करना है, और ये तरीके मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से बोल रहा हूँ कि काम चीजें लास्ट 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अगर चीजें मैंने नहीं देखी होती ना तो मैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ कभी नहीं बोलता कि ऐसा करो वैसा करो,
हाँ समझ गए, बहुत ज़्यादा डे ट्रेडिंग में भी आपको बताऊंगा कि कैसे काम करना है। थोड़ा टाइम दो, थोड़ा उसमें भी हमें रमने दो, धीरे धीरे रम रहे, उसके बाद बताऊंगा कि डे ट्रेडिंग में कैसे काम करना है। ठीक है, बहुत जल्द लेके आऊंगा तरीका, तो आप चैनल में जुड़ सकते हो अगर आपको जुड़ना है सर, है ना। तो अभी आप देख सकते हो प्रकाश स्टीलेज, ठीक है, ये स्टॉक है। अब इसमें सबसे बड़ी एक खबर है, बैड खबर, वो दिखाता हूँ आपको। पहले तो नंबर्स देख लो आप उसके बाद दिसंबर में। यहाँ देखो ये रहा, हाँ, ये 40 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, ठीक है, दिसंबर में प्रॉफिट हुआ 40 करोड़ का, ठीक है, और मार्च में ये प्रॉफिट 46 करोड़ का था। मैंने आई थिंक इस समय वीडियो बनाया था उस समय जो ये प्रॉफिट आया था। देखो नंबर्स कंपनी कितना अच्छा है, 40 करोड़ का प्रॉफिट दिया है और ये प्रॉफिट अदर इनकम से आया है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट तो अच्छे हो रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं, देखो लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बैड खबर ये निकल के आती है कि यहाँ देखो ये जो प्रमोटर्स है लगातार अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं स्टॉक से। अब आप खुद सोचो समझो, ठीक है, सोच समझ के आंसर देना, ऐसा क्यों प्रमोटर्स करेंगे कि स्टॉक का प्राइस चलो बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, ठीक है, लेकिन नंबर्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के नंबर्स ग्रो हो रहे हैं, अर्निंग्स बढ़ रही है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रमोटर्स है जो काम करते हैं कंपनी को चलाते हैं, काम करते, काम तो एम्प्लॉय करते होंगे लेकिन ये काम करवाते हैं, ठीक है, तो भाई ये अपनी होल्डिंग डिक्रीज क्यों करेंगे। और उन्होंने 10% की होल्डिंग डिक्रीज करी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये पब्लिक के लिए माल खरीदा है। पब्लिक का मतलब यहाँ पर बड़े इंडिविजुअल से नहीं है, रिटेल की बात कर रहा हूँ। वो कैसे वेरीफाई करोगे कि मनी रेडिफ की वेबसाइट है, ये खोलो और आप यहाँ देखोगे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज करी है, ठीक है। इनके पास कैलकुलेट कर लो 8 करोड़ शेयर से आई थी, कितने हैं मोटा मोटी, ठीक है, अब 6 करोड़ शेयर रह चुके हैं। और इन्होंने जो बाय किया, इन्होंने एक बाय किया इनको जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक का मतलब क्या होता है, रिटेल, ठीक है, खुल के बोल रहा हूँ रिटेल है ये पूरा। 42 से 51 हो गई, 39 से 51 हो गई। तो ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो होता क्या है ना, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये रियलिटी है। ये स्टॉक का प्राइस अभी ना आपको बहुत फंसाएगा, बहुत फंसाएगा। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है 6:30 का प्राइस चल रहा है, ये दोबारा 9:09 तक जाने की इसकी औकात है, औकात है, आपको प्राइस देखने समझ आएगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ जिन्होंने 2-3 साल, कम से कम 2-1 साल अगर उसने चार्ट पैटर्न के बारे में सर्च किया है, रिसर्च करी है, समझा है, वही बोल पाएगा ये 9 तक जाएगा। मैं बता रहा हूँ 9 तक जाएगा, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन 9 जाने का बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्या समझ रहे हो। ये स्टॉक अभी 1 साल तक यहाँ घूमेगा, 9 भी जाएगा, उसके बाद दोबारा नीचे गिर जाएगा, फिर ये अपना लो तोड़ देगा और आपको लगेगा भैया ये तो ऊपर जा रहा है, मुझे बाय करना चाहिए, और आप इम्पल्स में आगे उसको बाय कर लो, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है ना वो बनाई ऐसी गई है कि आपको लॉस करवा के छोड़ेगी ये, समझ गए। क्योंकि देखो यहाँ प्रॉफिट में, देखो प्रॉफिट में हमें दिखाया जा रहा है कि हम तो बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन ठीक है हम तो बढ़ रहे हैं, हमें प्रॉफिट बहुत शानदार आ रहा है, रिटेल को ही दिखाया जा रहा है, लेकिन भैया अंदर तो कुछ और हो रहा है शेयरिंग पैटर्न में, वहां तो प्रमोटर्स डिक्रीज कर रहे हैं, वो क्यों डिक्रीज कर रहे हैं, मुझे इसका आंसर दे दो भाई, अगर आप बहुत समझदार हो, ठीक है। तो मुझे आंसर मिल चुका है इसके चार्ट पैटर्न को देख के, ठीक है। मैंने क्या बोला, प्राइस एक्शन डज मैटर, उसमें हर चीजें पहले से हो जाती है, ठीक है, प्रॉफिट आना ना आना, देखो भैया हर चीज मैनिपुलेशन हो जाती है, तुम्हें तो पता है, ठीक है, बड़ी बात छोटी मुंह बड़ी बात नहीं बोलूंगा, हो जाता है। बाकी ये चीज कभी झूठ नहीं बोल सकती, शेयरिंग पैटर्न ये चीज कभी झूठ नहीं बोल सकती भाई। अगर किसी स्टॉक में कुछ नहीं करना आता ना, प्रॉफिट देखने नहीं आते, मत देखो प्रॉफिट, ये देख लो कि प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। बस अगर इन्होंने बोल दिया कि मैं माल बेच रहा हूं तो समझ जाओ माल बेच बिक रहा है, सच में बिक रहा है, ठीक है, ये झूठ नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये देख लो कि किसने बाय किया है, रिटेल ने बाय किया है, इंडिविजुअल ग्रुप ने बाय किया है। अगर इंडिविजुअल ग्रुप ने बाय किया है तो समझ जाना वो उन्हीं के लोग हैं, मिले आपस में सांझगांठ हो चुकी है। लेकिन अगर रिटेल बाय कर रहा है जनरल पब्लिक, तो समझ जाओ सांझगांठ नहीं है, सच में रिटेल बाय कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर हमें सब कुछ पता चल जाता है। उससे पहले आप देखो यहाँ पर शेयर्स कितने लाख शेयर्स अभी भी लोग घर लेके जा रहे हैं, ठीक है, 16 लाख शेयर्स, 48% डिलीवरी उठाई गई है। अब बात को समझो, मैं क्यों आपको बोला चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, उसका एक रीजन है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट से बनते हो ना, ट्रेडिंग माइंडसेट जो 1 मिनट 2 मिनट को देख के ट्रेडिंग करता है भाई, वो बंदा कभी भी स्टॉक को ना ज्यादा लंबे समय तक होल्ड कर ही नहीं सकता, और वो कभी भी गलत एंट्री का इंतजार नहीं कर सकता, मतलब गलत एंट्री नहीं ले सकता, उसको हमेशा एकदम परफेक्ट एंट्री चाहिए। अब आप बोलोगे ये स्टॉक 6 से 9 जाएगा, लेकिन भाई 6 से 9 जाने में इसको 2-3 साल लग सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो तो भैया आपको 6 से 9 अगर जाएगा ना तो विदिन अ मंथ चाहिए, 1 महीने के अंदर स्टॉक का भाई वहां जाना चाहिए, ऐसी रिसर्च करनी पड़ती है। और आपने हमारे स्टॉक देखे होंगे, सुजलॉन 7 से 5
पारा हो गया मात्र 1 महीने के अंदर। कैसा हो गया? तुक्का मारा था क्या? तुक्का नहीं था, रिसर्च थी। ठीक है, लास्ट 2 साल से वहीं घूम रहा था लेकिन 1 महीने में 7 से 12 हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उस स्टॉक को हम लास्ट 4-5 महीने से रडार में रखा हुआ था ट्रेडिंग करने के लिए मैंने, उसके बाद जब वो पैटर्न बना 7 से 12 आ गया। समझ गया? तो ये सब चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। अब ये चीजें आपको दिखाता हूँ प्राइस एक्शन में क्या दिख रहा है मुझे। तो अब प्राइस एक्शन हमें कैसे बताता है कि हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत सिंपल गेम है। देखो दोस्तों, प्राइस एक्शन के साथ में आपको वॉल्यूम एनालिसिस आनी चाहिए। ठीक है, जिस कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम बना है समझ जाओ वही स्टॉक की लंका लगाने वाला है, मतलब वही दिन उसका लंका वाला दिन हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हो ये रहा, ये ऑलमोस्ट इतनी बड़ी वॉल्यूम कैंडल बनी थी, इसका देखो वॉल्यूम कैंडल ये रहा। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता आप स्टॉक को भूल कर भी दोबारा बाय नहीं करोगे, ये रियलिटी है भैया। जो भी स्टॉक को अगर ऊपर जाना है तो वो अपने लास्ट स्विंग को रिस्पेक्ट करता है, उसको तोड़ने के बाद ही उसमें बड़ी बाइंग आती है, साइकोलॉजी समझो। ये जो कैंडल था ये हमें बता रहा साहब कि हमें इसको बेचना चाहिए। देखो यहाँ बेचा, ये तो हरी कैंडल बनी, ऊपर गया दुआ नीचे आ गया। अब ये पैटर्न बना रहा है, अब ये पैटर्न बना रहा है, साथ साथ में वॉल्यूम को फॉलो करते हुए जा रहा है। देखो ये वॉल्यूम कैंडल बना, उसके बाद देखो एक और रिस्पेक्टिव वॉल्यूम कैंडल बना, उसके बाद दोबारा देखो एक और वॉल्यूम कैंडल बना। तो ये वॉल्यूम कैंडल हमें साइन दे रहे कि स्टॉक का जो पैटर्न नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखो पैटर्न बन गया। अब आप बोलोगे सर ये वॉल्यूम कैंडल यहाँ भी बना था, तो भाई देखो ना फिर इसका हाई ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, ये स्टॉक हाई ब्रेक होने के बाद कहां तक गया? ट्रेडिंग करी जिंदगी में कभी? ट्रेडिंग में हम कितना गेम लेते हैं, 1:1 या 1:2 लेते हैं ना? आप मुझे बताओ, 1:1 या 1:2 लेते हैं मैक्स? ठीक है, ये हाई आपका बाय है, ये आपका स्टॉप लॉस है। देखो यहाँ बाय एक्टिव हो गया, मान के चलो 7:40 में एक्टिव हो गया। ठीक है, 7:40 में आपने स्टॉक को बाय कर लिया। ठीक है, बीएससी में बाय कर लिया, एनएससी अगर आपको नहीं मिला उस प्राइस में, स्टॉक ने 9.75 का ही लगाया, स्टॉप लॉस आपका मात्र 6:30 का, 30 पैसे का, 80-70 पैसे का स्टॉप लॉस, और आपका प्रॉफिट देखो ऑलमोस्ट 1:1, 1:2 का हो गया। ठीक है, मिल गया ना? और देखो मौका नहीं मिला आपको एग्जिट करने का, देखो मौका, मौके 100 दिए इसने भैया, देखो कितने मौके दिए। देखो यहाँ आया ऊपर गया, यहाँ आया ऊपर गया, देखो मौके तो पूरे, आप यहाँ भी प्रॉफिट में कट सकते थे लेकिन आप नहीं कटे क्योंकि आपने ये चीज नहीं पता था वॉल्यूम एनालिसिस। अगर आपका वॉल्यूम एनालिसिस आती तो आप स्टेबिलिटी यहाँ स्कोर अप कर देते। ठीक है, मैंने आपको बताया, देखो यहाँ मौके देता है आपको, मौके देगा ये आपको। देखो यहाँ इसने आपको मौके दिए, ये तो हरे कैंडल बनाए। ठीक है, हरे कैंडल बनाए, इसका मतलब ये थोड़ा कि ऊपर जाने वाला नहीं, ये मौके देता है आपको कि मैं दोबारा रिटेस्ट करने जाऊंगा 9.75 रुपए को, लेकिन 9.75 रुपए को तोड़ूंगा नहीं, इसको बोलते हैं रिटेस्ट। देखो सब पांच, मात्र 5 पैसे से, मात्र 5 पैसे से स्टॉक रह गया अपना हाई तोड़ने से, नीचे गिर गया। तो मैंने आपको बोला था स्टॉक 9 रुपए दोबारा जाएगा, तो ये है वो, ये 9 रुपए जाएगा और नीचे गिर जाएगा, समझ गए? लेकिन मैं 9 रुपए के टारगेट का आपको इंतजार करने नहीं कहूंगा, मैं यही बोलूंगा प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करो। अगर आपने बहुत सस्ते में किया है तो होल्ड कर लो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन उन लोगों के लिए जिनको स्टॉक को बाय करना ही करना है, तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं कुछ तरीके फॉलो करता हूँ, आप भी चाहो तो उस तरीके को फॉलो कर सकते हो, मेरे 2 तरीके काम करते हैं। अगर ये स्टॉक मेरे रडार में रहा उस समय तो डेफिनेटली मैं खुद स्टॉक को बाय करूंगा, लेकिन पर्सनली मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक रडार में रहेगा मेरे, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टॉक्स को अपने, हर महीने मेरे स्टॉक चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लो, आपका काफी अच्छा पैसा बच जाएगा फंसने से। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ मैंने मूविंग एवरेज खोल दिया है, आप स्टॉक में अप्लाई करोगे 30 मूविंग एवरेज। ठीक है, फेल क्लोज जाएगा, टाइप सिंपल आएगा, डन कर देना, ये तरीका बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अब देख सकते हो यहाँ लगातार ये एरिया इसका रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। तो मैं यही बोलूंगा जब तक ये स्टॉक दोबारा 30 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं करता है, 2 हरे कैंडल आप स्टॉक को बाय नहीं करोगे। देखो यहाँ 2 हरे कैंडल क्लोज करे स्टॉक नीचे की तरफ, 2 हरे कैंडल क्लोज करे स्टॉक नीचे की तरफ, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, इसके हाई में बाय करूंगा 8 रुपए के ऊपर। देखो ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, इसका लो ब्रेक हुआ, स्टॉक ऊपर गया दोबारा, तो ये हमारी अब ट्रिगर कैंडल रहेगी, ना कि ये रहेगी, क्योंकि इसका लो ब्रेक हो चुका है। देखो इसका लो ब्रेक हो चुका है, समझ गए? तो ये कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ चीजें होती है जो आपको समझना है। तो ये 30 मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक प्रकाश स्टीलेज क्लोज नहीं करता है बाय मत करना, सिंपल है। अभी ये स्टॉक का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, ट्रेंड समझो भैया। अगर ट्रेडिंग करनी है, मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ स्टॉक से, सिंपल सी बात है, मैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म के होल्ड नहीं करता हूँ। ठीक है, मुझे अभी स्टॉक का ट्रेंड बोला है डू नॉट बाय, मैं बाय नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, जब ये 30 के ऊपर क्लोज करेगा मैं खुद स्टॉक को बाय करूंगा, लेकिन करने तो 30 के ऊपर क्लोज,
ठीक है। अब ये कब करेगा, 2 महीने में करेगा, 3 महीने में करेगा, 4 महीने में करेगा, हु नोज, मुझे नहीं पता। हमें सिर्फ स्टॉक को फॉलोअप देना है, हर दिन दे दो, हर 2 दिन में दे दो। क्या दिक्कत आ रही है, कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है। आप वॉशरूम जा रहे हो कुछ और ना देखते हुए, आप चार्ट खोलो, मूविंग एवरेज अप्लाई करो, देख लो बस। आप बस में जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, कार चला रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, आप सुट्टा ब्रेक मार रहे हो, एक चाय पी रहे हो, चार्ट में लगाओ, देखो, अगर क्लोज कर दिया बस खत्म। कितना टाइम लगता है ये सब चीजें करने में, 1 मिनट लगता है मैक्स, ठीक है, 30 सेकेंड लगता है मेरे ख्याल से। तो वही ना भाई, टाइम तो देना पड़ेगा ना अगर करना चाहती हूँ कुछ। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, लंबा वीडियो हो चुका है, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो।